अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त हम रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं और पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का टेस्ट मैच का डे 3 जारी है और क्राउड दिखाएं जरा, क्राउड कैसा है? हम अंदर मैच देखने आए थे, जैसा कि अभी आपने पहली क्लिप देखी, सिक्योरिटी की वजह से हम अंदर वीडियो नहीं बना सके, तो अभी बाहर का हम आपको मंजर दिखा रहे हैं। अंदर आप क्राउड देख सकते हैं, लग ही नहीं रहा कि टेस्ट मैच है। और अभी हम यहाँ पर लोगों से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपको कैसे लग रहा है कि अब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान है, इससे पहले श्रीलंका की आई और पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई है। हुकूमत ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, पिछले श्रीलंका की टीम भी आई थी, वो सीरीज हुई, अभी बांग्लादेश की आई है और आगे इंशाल्लाह PSL के मैचेस भी हैं। तो हमारी कौम को भी चाहिए कि सपोर्ट करें और टिकट्स खरीदें और ज़्यादा सपोर्ट करें क्रिकेट कम्यूनिटी को। और सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी जैसे आप देख सकते हैं हमारी भी अभी तक 12 जगह चेकिंग हो चुकी है। जी ऑडियंस को बताइएगा कि मैच देखने का प्रोसेस क्या है, एंट्रेंस पॉइंट कौन कौन से हैं और बाइक कहाँ पार्क करने हैं, गाड़ियाँ कहाँ पार्क करनी है, बताइए। जी ये किडनी सेंटर है, इलामा इकबाल पार्क में इस वक्त हम मौजूद हैं। इसकी बैक साइड पे किडनी सेंटर है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उधर हमने अपना बाइक पार्क किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम इकबाल पार्क में मौजूद हैं। बहुत सी तादाद में यहाँ लोग मैच देखने आ रहे हैं, आप जैसे देख सकते हैं कि लोग किस तादाद में मैच देखने आ रहे हैं। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी इस दफ़ा बहुत ज़बरदस्त रखी गई है। इलामा इकबाल पार्क में आने से पहले भी हमसे 3 से 4 दफ़ा हमसे चेकिंग हुई है, जिसमें आपको चार्जर या एंट्री वगैरह लाने की इजाज़त नहीं दी गई। उसके बाद ये एक चेक पॉइंट है, इससे आगे यहाँ पर आपसे शनाख्ती कार्ड वगैरह चेक करके स्कैन करके आपको अंदर भेजा जाता है। उसके बाद आगे जाके आपकी टिकट चेक होगी, जिसके बाद आपको अंदर